शहर के प्रभाग क्रमांक 34 के पीपला रोड का कार्य निर्माणाधीन है, लेकिन इस रोड का कार्य रोका जाए ऐसी मांग दक्षिण युवा कांग्रेस और परिसर के नागरिकों द्वारा की गई है। आखिर ये विरोध क्यों किया जा रहा है, क्यों परिसर के नागरिक रास्ते का विरोध कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला, ये जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने। आइए डालते हैं एक नजर। प्रभाग क्रमांक 34 पिपरा रोड जो है, यहाँ पे जो है काम चालू है और यहाँ के लोगों द्वारा इसे विरोध किया जा रहा है। क्या मांग है उनकी, क्यों विरोध हो रहा है, जानते हैं उन्हीं से कि आज जो हम देख रहे हैं पिपरा रोड है, यहाँ पे काम शुरू है, आपके द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्यों विरोध किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रोड सैंक्शन 2019 में, उस टाइम पे जो आमदार थे उनके निधि से ये सैंक्शन हुआ था। उन्होंने उसी टाइम पे 2019 में एंडिंग में इलेक्शन के जब आखिरी पाँच वर्ष का कालावधि ख़त्म होता है, तब यहाँ पे 200-300 लोगों के तादाद में इन्होंने यहाँ पे भूमि पूजन किया था। मैंने उनका ब्रोचर भी यहाँ पे चिपका दिया है ताकि लोगों को पता चले और यहाँ के स्थानीय लोगों को वो पता है। और उसके बाद इलेक्शन में उनकी सीट कटी गई, उसके बाद दूसरों को आंदर की सीट दी गई। इनका क्या था आपस में हमको नहीं पता, लेकिन 2019 से मैम आज तक के वो रोड का काम चालू नहीं हुआ। अभी महानगर पालिका का इलेक्शन आते आते देखते हुए अभी के जो आमदार है उन्होंने पहले था 8 करोड़ का, अभी किए 7 करोड़ का, 8 और 6 14, अभी ये 5 करोड़ का ये लाइन का काम चालू किया उन्होंने। हमारा कहना एक ही है कि महानगर पालिका में अभी इलेक्शन है इसलिए तुमने रोड का काम चालू किया, तो हमको विकास के साथ हम भी खड़े हैं। कांग्रेस जहाँ भी विकास की भाषा होती है, कांग्रेस पक्ष डटके खड़े रहता है विकास, चाहे कोई भी पक्ष करे। लेकिन ये जब सुधाकर कोड़े के काम टाइम के पूरा रोड सैंक्शन हुआ था तो अभी आधा किए, मतलब आधा रोड इनको छोड़ी गया है। पहले 8 करोड़ था, अभी 6 करोड़ सैंक्शन किए। अभी ढगे के बंगले तक की इन्होंने संजय गांधी से ढगे के बंगले तक के रोड लाया है, तो मेरा यह कहना कि वहाँ तक के रोड है ना, तुम वहाँ तक के काम करो। लेकिन उसके आगे नाली का काम क्या किया है, अपने यहाँ पे सब सुशिक्षित वर्ग है, सबको बताया कि रोड का काम चालू करने से पहले पाइपलाइन का काम किया जाता है। तो मेरे को बताओ कि इलेक्शन के इसमें लॉलीपॉप देने के लिए लोगों के सामने भूमि पूजन किए 3 बार, एक पहले के आमदार ने, अभी के आमदार में और एक नाली के वक्त 3 बार इन्होंने भूमि पूजन किया है। तो हमारी मांग यही है, जहाँ तक कि तुम्हारा रोड सैंक्शन है वहाँ तक ही रोड बनाओ, आगे जब तक के पूरा रोड सैंक्शन नहीं होता ढगे के बंगले से पिपले नाले तक के चौक तक, तब तक के ये पाइपलाइन का काम हम आगे जाने नहीं देंगे। यदि जाते हैं तो मैं कल से यहाँ पे धरना आंदोलन बैठ जाऊँगा, और जब तक ये पूरा रोड सैंक्शन नहीं होता है तब तक के यहाँ पे कोई भी काम मैं होने नहीं दूंगा। और जो भी रोड बन रहा है आप जाके अभी देख लीजिए, इसका नीचे के दर्जे का रोड बन रहा है मैडम, चूरी भी नहीं डाल रहे, और जो रोड बने वैसे का वैसा गए, पूरे डी कंपनी का काम है, और ये टेंडर इनके पक्ष के बड़े नेताओं के कॉन्ट्रेक्टर को दिए जाते हैं, इसलिए रोड की हालत ऐसी, इसलिए नेता लोग भी कुछ नहीं बोलते। तो मेरी आपसे माध्यम से और यहाँ के परिसर के नागरिकों के माध्यम से आपसे एक नम्र विनंती है कि जब तक कि ये पूरा रोड सैंक्शन नहीं होता तब तक के यहाँ पे काम करने को आप स्टे दीजिए, बस एक हाथ जोड़ के विनंती है एक लोक प्रतिनिधि के नाते। बिल्कुल, आपने ये जो मांग की है या विरोध कर रहे हो तो इसकी जानकारी आपने मतलब किसी बड़े अधिकारी से ली, मतलब दी है इसके विरोध के बारे में, या जो विधायक है उन्हें कुछ इस बारे में आपसे बातचीत हुई है? हमने यहाँ के जो विधायक है उनसे भी मिलने की कोशिश की, लेकिन वो ऑफिस में कभी बैठते नहीं, कहाँ बैठते हमको नहीं पता, और हम मेरे कुछ नहीं कि पूरे दक्षिण नागपुर के जनता को बताए वो कहाँ बैठते, अभी पता नहीं कि और वह कहाँ बैठते। इनका प्रूफ, इनके पहले के जो आमदार थे उनकी जब सीट कटी थी उन्होंने भी दिए थे वो कहाँ बैठते, उनका पुराना एक वीडियो भी है कि किसको सीट दी गई और कौन है, तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। और आप जो बोल रहे प्रूफ की बात, तो मैडम आप यदि कैमरा इधर करूँगे तो सुधाकर कोड़े ने 2019 में ये भूमि पूजन किया था और 2022 में मोहन जी मते इन्होंने भूमि पूजन किया है, तो एक ही रोड का एक ही बीजेपी पक्ष 2 बार भूमि पूजन कर सकती है क्या, ये आपको मेरे को सवाल है, कर सकती है क्या, नहीं कर सकती, तो फिर लोगों के सामने राजनीति क्यों, लोगों को तो विकास चाहिए, आप अपनी राजनीति अपने घर में करो। बिल्कुल, तो ये राजनीति के चलते जो है यहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो रोड सैंक्शन नहीं है उसका भी काम किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है। अब देखना यह होगा कि ये मामला किस मोड़, मतलब क्या मोड़ लेता है और ये रास्ते का काम होता है या नहीं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, DCN न्यूज़।